नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से जो GST इनवॉइस सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो 01/2022, और ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है 24 फरवरी 2022 को। तो दोस्तों, क्या नया नोटिफिकेशन आया है, क्या अमेंडमेंट करी गई है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और जो नया हमारा टैक्स इनवॉइस इशू करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम टेली सॉफ्टवेयर में उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किस तरीके से करने वाले हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से इस वीडियो में रहने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, जिसमें कि आपको सारी बातें वो समझ में आ गई भी। जो 1 अप्रैल 2022 से न्यू सिस्टम टैक्स इनवॉइस इशू करने का जो लागू हुआ है, जिसमें अमेंडमेंट हुई है, वो क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। और वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में भी क्या कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में जो मेजर चेंजिंग जो करी गई है, सबसे पहले हम उसको इजी और सरल भाषा में इसको समझ लेते हैं भी। जो सेक्शन सबसे पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था 13/2020, यानी कि डेटेड 21 मार्च 2020 को, और ये पब्लिश्ड इन दी गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 वाइड मेंबर GSR 196E डेटेड 21 मार्च 2020 को। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन था, ये था ई इनवॉइस को लेके, यानी कि ई इनवॉइस सबसे पहले जो ये एक्ट लागू किया गया था उसके अंदर ये दिया गया था भी, ऐसी जो भी कंपनी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा की है तो उनको ई इनवॉइस देना कंपलसरी है। लेकिन उसके बाद में फिर इसको अमेंडमेंट और कर दिया गया, 100 करोड़ की बजाय इसको कर दिया 50 करोड़ से। लेकिन अब इसको 50 करोड़ से भी इसकी जो लिमिट है उसको और कम कर दिया गया है। उसकी जो अब लिमिट प्रेजेंट टाइम में रहेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो भी 50 करोड़ रुपीज़ दी वर्ड 20 करोड़ रुपीज़, यानी कि 50 करोड़ से अब आपको 20 करोड़ ऐसी कंपनी जिसके टर्नओवर 20 करोड़ है उनको अब अपने जो रजिस्टर्ड कस्टमर है उनको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी हो गया है। अगर वो ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो जो उनका बायर्स है उनको ITC लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो था इस नोटिफिकेशन में जो चेंजिंग हुआ है, और ये जो एप्लीकेबल होने वाला है वो 1 अप्रैल 2022, यानी कि एक जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होएगा, सेशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, यानी कि पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 को। और अब हम बात करते हैं भी हम जो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर है कंपनी की वो कौन सी मानेंगे। तो उसके अंदर भी उन्होंने दिया गया भी जब से हमारा GST स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2017 से, जुलाई 17 से लेके और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक, इन 5 सालों में किसी भी एक साल के अंदर भी अगर आपके कंपनी के टर्नओवर 50 करोड़ को पार करी है तो ये एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है भी आपका जस्ट जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अभी जो चल रहा है 21-22 उसकी टर्नओवर हमारी 15 करोड़ है, लेकिन उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर हमारी कंपनी की टर्नओवर 22 करोड़ थी। तो इन 5 सालों के अंदर, यानी कि 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, 5 सालों में किसी भी साल के अंदर अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा की रही है तो ये एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको उसको अपडेट करवाना पड़ेगा ई इनवॉइस पर्पज़ से, क्योंकि अब ई इनवॉइस में अब होगा क्या, जैसे हम ई इनवॉइस कस्टमर को इशू करेंगे तो उसके ऊपर IRN नंबर है जो जनरेट करना पड़ेगा 64 डिजिट का, और साथ में ये QR कोड भी जनरेट होगा। तो ऐसी जब 20 करोड़ की टर्नओवर की बात आई है तो लगभग छोटी मंडियाँ वो भी अब धीरे धीरे कवर हो जाएगी, क्योंकि 100 करोड़ तक की तो वो एक बड़ी सिटी की बात थी, 50 करोड़ की तो उसके अंदर छोटे से जो मीडियम
टाइप की जो सिटी थी वो भी कवर होगी, लेकिन जैसे 20 करोड़ के करी तो 20 करोड़ के अंदर ऑल ओवर छोटी मंडियां भी अब शामिल हो चुकी है। तो ऐसे में हम सॉफ्टवेयर को अपडेट आपको करवाना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। लेकिन हम बात करेंगे टेली सॉफ्टवेयर की, भी हम टेली सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस के ऑप्शन को किस तरीके से इनेबल करने वाले हैं। तो दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर में हमें ई इनवॉइस का जो ऑप्शन है वो हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इस जीएसटी में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का जीएसटी का ही पार्ट है। तो हम इसको यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको ये ऑप्शन ई वे बिल एप्लीकेबल के बाद में ई इनवॉइस एप्लीकेबल का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल को यस करना पड़ेगा और एप्लीकेबल फॉर्म आपको 1 अप्रैल 2022 रखना पड़ेगा। और उसके बाद में बिल फॉर्म प्लेस में आपको यहाँ पे जहाँ से आप प्लेस कर रहे हो वो आपका सिटी का नाम आएगा, और उसके बाद में जो रिपोर्ट है ई इनवॉइस की वो डिफ़ॉल्ट पीरियड कितने दिनों का रहने वाला है। तो वैसे तो अभी तक 3 डेज का ही है, लेकिन अगर इसमें कोई 4 डेज 5 डेज के अगर कोई भी अमेंडमेंट होती है तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आपको ई इनवॉइस है जो आपने इशू कर दिया है लेकिन उसका ई इनवॉइस अभी तक आपने नहीं बनाया, तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर उसका ई इनवॉइस है जो जनरेट करना पड़ेगा पोर्टल पर जाके, जैसा कि अभी तक हम ई वी बिल बनाते आ रहे हैं उस तरीके से ही जैसे हम करेंगे। तो इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे हम वाउचर पे जाएंगे, सेल वाउचर की एंट्री हम पास करेंगे, और एंट्री पास करने के बाद में जैसे हम कोई प्रोडक्ट को यहाँ पर लेंगे, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद में बेसिक हमारा जो CGST है और SGST है वो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर वी प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, तो इसको आपको यस रखना पड़ेगा। और ये आपका यस तभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आपने टैक्सेशन में ई इनवॉइस एप्लीकेबल को यस किया है। तो जैसे हम ई इनवॉइस करेंगे, तो अगर आपने टेली सॉफ्टवेयर में इसको रजिस्टर्ड करवा रखा है, API आपने रजिस्टर्ड कर रखा है और इसको आपने टेली सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर रखा है, तो अब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपका GST नंबर और आपने जो API रजिस्टर्ड करते वक्त ऑनलाइन पोर्टल पे जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पिक कर लेगा। और यहाँ पर आपको ये एक डिटेल डालनी पड़ेगी, बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस, यानी कि अगर आप बिल कहीं और भेज रहे हो और गुड्स कहीं और भेज रहे हो तो वो डिटेल अगर आप मैनुअल यहाँ से फिलअप करना चाहो तो ये आपको फिलअप करके देना पड़ेगा। जैसे हम इसको फिलअप कर देंगे तो ये IRN नंबर है जो पोर्टल से हमें मिलेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सॉफ्टवेयर है जो पिक कर लेगा। जैसे हम इसको सेव करेंगे और वाउचर को हम सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद ये विंडो हमारे सामने आएगी, डू यू वांट जनरेट ई इनवॉइस। तो इसको जैसे हम यस करेंगे तो अभी देखो हमने इस कंपनी का जो API है वो टेली के साथ में अटैच नहीं कर रखा, तो अब आपको इसको भी अटैच करवाना पड़ेगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, अभी हम टेली सॉफ्टवेयर में हमारा जो API है उसको रजिस्टर्ड करके टेली सॉफ्टवेयर के साथ किस तरीके से इसको हम लिंक कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हम सॉफ्टवेयर से इनवॉइस तैयार करें तो हमारा ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके ऑटोमेटिक है जो क्रिएट हो जाए और IRN नंबर बन जाए। जैसे हमारा IRN नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इस तरीके से इनवॉइस बन जाएगा, जिसके अंदर हमारा QR कोड यहाँ पर रहेगा और IRN नंबर जो हमारे ई इनवॉइस का जो नंबर है एक तरीके का वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हमें अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और आपका पायरेटेड करते हो तो आपको उसको परचेज करना पड़ेगा, या आपका सॉफ्टवेयर कोई पुराना है तो उसको आपको अपडेट करवाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022 तक। क्योंकि अगर आपने कस्टमर को मैनुअल इनवॉइस सेल इनवॉइस इशू कर दिया तो आपका जो ITC है आपके बायर्स को उसका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कंप्यूटराइज्ड बिलिंग अब कंपलसरी हो गई है अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ या इससे ज़्यादा की है। तो दोस्तों आई होप कि आपने सिंपल भाषा में इसको समझ लिया है भी जो नोटिफिकेशन जो अमेंडमेंट इसमें जो किया गया वो यही है भी जो ई इनवॉइस की जो कंपलसरी जो मैंडेटरी जो एक लिमिट थी 100 करोड़, उससे पहले उसको बाद में 50 करोड़ कर दिया गया और अब 50 करोड़ से इसको 20 करोड़ है जो कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर अकाउंटेंट लोगों की जो मेहनत है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।